ुल्फ़िकार अली भुटो की मुल्क और कौम के लिए खिदमत और इनके कारनामे जिसकी वजह से वो अपने मद्दाहों के दिलों में जिंदा हैं इसी वजह से इनके मद्दा इनके यही कारनामे ही तो आवाम को गिनवाते हैं भुट्टो जहां तकरीर और आवाम के साथ मोहब्बत के इजहार पर दस्तरस रखता था इसी तरह खारजा महाज पर भी इनकी गिरफ्त मजबूत थी ढाका के नतीजे में पाकिस्तान के नब्बे हजार जंग कैदी और पांच हजार मुबा मिल रकबा भारत के कब्जे में था इंदिरा गांधी के साथ तवील मुजात करके शिमला के नाम से एक समझौता तय पाया जिसकी वजह से न सिर्फ जंगी आजाद करवाए बल्कि रकबा भी भारत ऐसी वागुजार करवाया रूस के साथ अच्छे तल्लु का आगाज भी भुट्टो का एक कारनामा है कुदरती वसाइल के वजीर की हैसियत ऐसी रूस के साथ मुख्तलिफ मुख्तलि किए जिसके पाकिस्तान को बेशुमार फवाद हासिल हुए स्टील मिल का म भी रूस का जुल्फिकार अली भुट्टो को एक तोहफा था अपनी वजारत खारजा के दौर में ही हमसा चीन के साथ दोस्ती की एक हैरत में डाल दिया इस मुहाईदे से आज तक चीन के साथ पाकिस्तान के तालुकात हर आड़े वक्त में मिसाली साबित हुए खारजा महाज में इनके को भुट्टो कीसने तदबीर और फहमे फिरासत का अजीम कारनामा समझा जाता है जब भुट्टो इकतदार में आया था इस वक्त पाकिस्तान बे की हैसियत रखता था भुट्टो ने इस मसले को अवलीन तरजीह दी और दस्तूर साज के लिए कमेटी कायम की इसी वजह से 14 अगस्त उन्नीस को मुल्क में एक कानून नाफिज हुआ इसी दस्तूर की रूह से पहली बार इस्लाम मुल्क का सरकारी मजहब करार दिया गया